नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे राशन कार्ड में डीलर का नाम कैसे बदले। ये जो प्रोसेस अभी हम बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आप चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमने कंप्यूटर का यूज किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे गूगल में सबसे पहले हम राशन कार्ड यहाँ पे लिखेंगे और सर्च कर देंगे और आपको फर्स्ट वेबसाइट ही मिल जाएगा आहार झारखंड का। देख सकते हैं लिखा हुआ है झारखंड गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम से कार्ड होल्डर्स। ये जो प्रोसेस दोस्तों बता रहे हैं अभी, ये झारखंड से है। अगर आप किसी भी स्टेट से होंगे तो सेम इसी तरह से ये प्रोसेस रहता है। तो चलिए इस वेबसाइट पे भी हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है राशन कार्ड बेनिफिशियरी सर्च में। अगर आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं कर पाएंगे तो दूसरा ऑप्शन रहता है राशन कार्ड नंबर अपना इंटर करिए और उसके बाद से एक कैप्चा कोड एक फिलिंग करना होता है। इसके सहारे भी यहाँ पे आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप राशन कार्ड नंबर और कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर करके सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण और परिवार के सदस्यों का विवरण खुल के आ जाता है। यहाँ से आप इजीली आसानी से चेक कर सकते हैं। डीलर का नाम चेंज करने से पहले आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर डीलर चेंज के लिए एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे ईआर पत्रिका में ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुका है राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है, होम, न्यू राशन और डाउनलोड। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स यहाँ पे बहुत यहाँ पे मिल रहा है, नेम चेंज का, जेंडर, मोबाइल चेंज, रिलेशन चेंज और डीलर चेंज। तो यहाँ पे अभी हमको सिर्फ डीलर चेंज के लिए फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और डीलर चेंज पर क्लिक करना होगा और ये पीडीएफ फाइल यहाँ से ओपन हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे सेव करके रख भी सकते हैं इस फॉर्म को। इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद से आपको यहाँ पे अपना कार्ड होल्डर नेम और राशन कार्ड संख्या और यहाँ पे प्लेस डेट और सिग्नेचर विथ नेम यहाँ पे फिल करके फिर से आपको इसको अपलोड करना होगा स्कैनिंग करके। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ नीचे दिए गए विकल्प में से किसी एक पर टिक यानी सही का चिन्ह लगाएँ। स्थान परिवर्तन, डीलर दुकान की दूरी ज़्यादा है या और अन्य जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी डीलर राशन बांटना बंद कर देता है तो आपको अन्य पर सही का चिन्ह लगाना है। इसके बाद फिर से वापस इस वेबसाइट पर आना है, ग्रीन कार्ड पर क्लिक करना है और कार्ड होल्डर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं UID या राशन कार्ड नंबर आप इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो जाता है, देख सकते हैं ERCMS राशन कार्ड लॉगिन और यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड नंबर फिल करना है और कार्ड टाइप में ग्रीन कार्ड या वाइट टाइप एक सेलेक्ट करना है और उसके बाद से अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर जो कि फैमिली मेंबर के नाम से है और उसके बाद से कैप्चा कोड इंटर करना है और फाइनली लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही दोस्तों बेसिक डिटेल्स आपको खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है परिवार के सदस्यों को जोड़ने के लिए, डीलर बदलने के लिए, मोबाइल नंबर में सुधार करने के लिए या मेंबर ट्रांसफ़र करने के लिए या आधार नंबर में सुधार करने के लिए या चेंज जेंडर, राशन कार्ड सरेंडर, चेंज डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप खुद से भी घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डीलर का नाम है पूनम देवी और दोस्तों ये डीलर का नाम मैं यहाँ से आपको कन्फर्मेशन करा दूँगा चेंज करके इसी वीडियो। ये प्रोसेस कम्प्लीट होने में मिनिमम 24 से 72 घंटा लगभग लगता है। तीन दिन के बाद से फिर से आप लॉगिन करिएगा तो डीलर का नाम चेंज करके आसानी से ये देख सकते हैं डीलर का नाम चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलता है डीलर बदलना का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं स्क्रीन पे लिख के आ चुका है रिक्वेस्ट फॉर डीलर चेंज। यहाँ पे आपको फिर से डिटेल खुल के आ जाता है, राशन कार्ड नंबर, कार्ड टाइप, नेम, उसके बाद से फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सारा चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं और उसके बाद से यहाँ पे स्टेप वन में लिखा हो रहता है परिवार के किसी एक सदस्य के चुने और आधार संख्या डालें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि राशन कार्ड में जिनका जिनका भी नाम होगा किसी एक आदमी को चुने और उसके बाद से उसका आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा और उसके बाद से उसको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं स्टेप टू ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिलेक्ट डीलर यानी कि जिस डीलर के पास आप राशन लेना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने नज़दीकी जो भी आपका डीलर है सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हम हितेश झा सेलेक्ट कर लिए हुए हैं और यहाँ पे अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन आ रहा है तो आपने जो PDF डाउनलोड किया था उसमें आपको यहाँ पे स्कैन करके इसको अपलोड करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो आप फाइल को स्कैनिंग करिएगा ये मिनिमम 200 KB
तक ही रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर होता है तो आपका ये फाइल अपलोड नहीं हो पाएगा, आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना होगा। फाइल को दोस्तों अभी हम रिसाइज कर रहे हैं, एक हमारे पास ऑफलाइन टूल है जिसका नाम है रियोट, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल, और इसके ज़रिए अब हम इस फाइल को रिसाइज करते हैं। देख सकते हैं फाइल हमने दोबारा अपलोड किया और रिसाइज करके, तो ये सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर लिख के आ जाएगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर, द रिक्वेस्ट टू चेंज डीलर हैव बीन सबमिट सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप देख पाएंगे राशन कार्ड का डिटेल्स, जैसे कि पुराना वाला जो डीलर का नेम है, और उसके बाद से यहाँ पे आप देख पाएंगे न्यू डीलर डिटेल जो आपने चेंज किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे एक आवेदन पत्र संख्या मिल जाता है और उसका आवेदन का विषय भी लिखा रहेगा, रिक्वेस्ट फॉर चेंज डीलर। और इसको क्या करना है कि आपको प्रिंट करके इसको सेव करके रख लेना, उसके बाद आपको 72 घंटों बाद यानी कि 3 दिनों के बाद वापस से लॉगिन करना है इसी वेबसाइट पर, और आप देखेंगे कि ये जो डीलर का नेम है ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हूँ दोस्तों कंप्यूटर के स्क्रीन पर कार्ड टाइप यहाँ पे पीएच शो हो रहा है और दुकानदार या वितरक का नाम हितेश झा यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो ये था दोस्तों फुल प्रोसेस जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अगर आप राशन कार्ड में डीलर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आसानी से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।